नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान ओपिनियन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राजनेता से बात करने जा रहे हैं जो पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक ऐसी जगह से आते हैं जो पर्यटन के लिहाज से देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐसा कीर्तिमान मुख्यमंत्रियों ने तो कई बनाया है कि 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश का। संगठन के तौर पर पार्टी के झंडा को आप जिस तरीके से बुलंद कर रहे हैं, पिछले 15 साल से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अंडमान निकोबार द्वीप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो ये इतने लंबा कार्यकाल भरोसा किया आप पर पार्टी ने, क्या लगता है कि क्या ऐसा काम किया आपने? देखिए, ऐसा कुछ खास तो नहीं किया। मैंने सिर्फ दो चीज़ के ऊपर में ध्यान दिया। एक, जमीन में जो अंडमान निकोबार में जो पार्टी का संगठन है, संगठन में मैं जमीन से काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और जमीन में मैंने काम किया है। जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको लेके मैं काम किया, जिससे अंडमान निकोबार का जनता का और ख़ास तौर पे जो कैडर्स है पार्टी का, उनका विश्वास को मैं जीता। और दूसरा, जो हमारा हाई कमांड, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और जनता और पार्टी का विश्वास था जमीन में, और हाई कमांड में मैडम और राहुल जी का आशीर्वाद था, तो बस सिलसिला चलता गया। सर, आप व्यक्तिगत जीवन हो या पॉलिटिकल लाइफ, आपकी जो छवि है वो एक लड़ाकू कहना चाहिए कि संघर्ष करने वाले नेता की रही है। यदि आप व्यक्तिगत जीवन में देखें तो आपने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मरीन इंजीनियरिंग किया और फिर अपना काम आपने शुरू किया बड़े स्ट्रगल के बाद। आपने जगह जगह उसका विरोध भी किया यदि जहां आपके साथ अन्याय हुआ, और राजनीतिक क्षेत्र में भी ये बात लागू होती है। तो इस बार आप लोकसभा में भी 17वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए, पिछली बार कई चुनाव में आप हारे, तो क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर आपकी कौन सी प्राथमिकताएँ रहेंगी इस बार? देखिए, मेरा जो प्राथमिकता एकदम क्लियर है, अंडमान निकोबार में एक नहीं अनेक इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं और हर इशू का अपना एक कहानी है, हर इशू का अपना एक वज़न है जिससे अंडमान निकोबार का जनता को तकलीफ, जिसका सामना करना पड़ता है। मेरे हिसाब से देखिए, मैं 4-5 विषयों पे ज़्यादा काम करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत सारा इश्यूज़ है, बट मेरा 4-5 इश्यूज़ ज़्यादा कंसर्न होगा। सबसे पहला इशू जो मेरा कंसर्न होगा वो ये है कि अंडमान निकोबार में पानी का समस्या है। पानी है, मैं ये नहीं बोलता पानी नहीं है, पानी का 2-3 तरह का समस्या वहाँ पे है। एक समस्या यह है कि आपको जब समर आता है, समर सीज़न आता है, तब आपको 2-3 दिन में पानी एक बार मिलता है 15-20 मिनट के लिए, जिससे वहाँ काम लोग का जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं होता। ये मैं बात कर रहा हूँ सिटी की, बात कर रहा हूँ टाउनशिप के, बात कर रहा हूँ। और अंडमान निकोबार एक बहुत दूर दराज एरिया है, 700 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है आंध्र प्रदेश का ऊपर से लेकर कन्याकुमारी के नीचे तक का, 547 आइलैंड्स हैं, छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, जिसमें अलग अलग टापू में लोग रहते हैं। आज भी ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे लोगों को पीने का पानी का सुविधा नहीं है, लोग कुआँ खोद के कुएँ से पानी पीते हैं और अलग अलग स्रोत से पानी पीते हैं, पानी फिल्टर नहीं है, और जिससे उनका बदन में बहुत सारा बीमारी आता है, स्वास्थ्य का इश्यूज़ आ रहा है। तो ये जो चीज़ है, तो मेरा ये मानना है कि अंडमान निकोबार में पानी के ऊपर हमको काम करना है। मुझे आपको बताते हुए खुशी लगता है कि देखिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। अंडमान निकोबार में जो रेनफॉल है वो 3000 मिलीमीटर का रेनफॉल है। अंडमान निकोबार के पॉपुलेशन अगर आज का बात करें आप, तो 5 लाख का आसपास अंडमान का पॉपुलेशन है। आप इसी तरह दूसरा पहलू आप देखेंगे दिल्ली का, दिल्ली में साल में 618 मिलीमीटर पानी होता है और दिल्ली का पॉपुलेशन 2,20,00,000 के आसपास है। अंडमान में 3000 मिलीमीटर पानी होता है, 5 लाख पॉपुलेशन है, मगर हमको पानी का कमी है।
दिल्ली में 2 करोड़ 20 लाख पॉपुलेशन है, 618 मिलीमीटर पानी होने के बावजूद पानी कमी नहीं है। तो इसका जस्ट एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका वेरी प्लेन एंड सिंपल मतलब है कि जो वाटर मैनेजमेंट हमारा है, जो सिस्टम है, वो ठीक नहीं है। तो सीधा सीधा जो पानी तो बारिश का पानी जो आता है वो आपको ड्रेन आउट होकर समुद्र में चला जाता है। तो आज वो समय आ गया कि हम लोग को और डैम बनाना पड़ेगा और चेक डैम्स बनाना पड़ेगा और जो वाटर बॉडीज़ है उसको रिवाइव करना पड़ेगा ताकि पानी का जो इशू है वो सॉल्व हो सके, एक नंबर। दो नंबर, ये जो पानी है, रॉ पानी को हमको फिल्टर करना पड़ेगा, फिल्टर करके लोगों तक हमको पहुंचाना पड़ेगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और लोग सही तरीके से जी सके। तीसरा जो बात है, देखिए जैसा आपने खुद एक बात कहा कि अंडमान निकोबार एक टूरिज़्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। देखिए कोई भी जगह टूरिस्ट जब जाता है तो वहाँ बेसिक जो चीज़ है वो पानी है। आज अगर हम अपना 5 लाख आइलैंडर्स को ठीक तरीके से पानी अगर हम नहीं दे पाए तो फिर टूरिज़्म इंडस्ट्री का बात तो दूर का बात है। टूरिस्ट अंडमान में आएगा और उसको जो पीने का पानी या नहाने का पानी नहीं मिलेगा तो जो टूरिस्ट बहुत ख़राब एक्सपीरियंस लेके आएगा, तो वो कभी दूसरे टूरिस्ट को नहीं बोलेगा कि आप अंडमान जाओ करके। तो पानी एक जो बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर में हमको काम करना है आइलैंडर्स के लिए और आने वाले समय में 2021-2022 में अंडमान निकोबार का एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग बन जाएगा तो बहुत बड़ा एक गेटवे साउथ एशियन कंट्रीज़ का, जो 7 कंट्री है, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, इसका एक बहुत बड़ा गेटवे टूरिज़्म और ट्रेड में खुलेगा, तब हम लोगों को पानी का ज़रूरत होगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा पहला जो प्राथमिकता होगा वो है पानी को लेके। दूसरा जो इशू मेन इशू है वो हेल्थ इश्यूज़ है। देखिए अंडमान निकोबार में ऐसा नहीं कि मेडिकल सुविधा नहीं है, मेडिकल सुविधा है, मगर जिस हिसाब से होना चाहिए वो हिसाब से नहीं है। आज ये बड़ा दुख का बात है, देखिए अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है या कोई सीरियस पेशेंट हो जाता है, स्पेशली जैसा न्यूरो के ऊपर में, किडनी के ऊपर में, हार्ट के ऊपर में, ब्रेन के ऊपर में, तो हमारे पास वहाँ पे कोई स्पेशलाइज चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो हमको बेसिकली फिर अंडमान से केस को रेफ़र किया जाता है कोलकाता या चेन्नई, वहाँ आपको आना पड़ता है। आमतौर पे देखिए अंडमान के लोग गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनका पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ आके ट्रीटमेंट कराए। ठीक है गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स के तहत वो आते हैं, मैं गरीब आदमी फिर भी उसको रहना खाना साथ में एक आदमी आना तो परेशानी होता है और तकलीफ़ ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मेरा दूसरा जो इशू रहेगा वो हेल्थ के ऊपर में। ये खुशी का बात है कि 4 साल पहले अंडमान निकोबार में मेडिकल कॉलेज खुल गया। ठीक है आने वाला साल में हमारे 100 बच्चे वहाँ से अंडमान का पास होकर निकलेंगे। तो आने वाला समय में जो है हमको हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर में जो स्पेशलाइज जो चीज़ है उसके ऊपर में काम करना है और ये प्रयास करना है कि अंडमान निकोबार हेल्थ के इशू के ऊपर में वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके और सिर्फ ही सेल्फ सफिशिएंट आइलैंडर्स के लिए नहीं हो। मेरा तो मानना ये भी है कि आने वाला समय में हम लोग अंडमान निकोबार का जो टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, जो जैसा उसको एक बहुत बड़ा स्केल में हेल्थ टूरिज्म भी इसमें हम लोग प्रमोट करें। सर आपकी जो पहचान है वो एक माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर आप चीज़ों को करते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा था अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, आपने कुछ स्कूलों का दौरा किया, वहाँ आपने देखा कि बच्चों को मतलब जो पहली दूसरी तीसरी में जो बातें आनी चाहिए वो उस कक्षा में वो 5वीं 8वीं में ही पढ़ रहे हैं तो नहीं आ पा रही हैं। आपने कुछ अभियान भी शुरू किया कि अभी 15 अगस्त के मौके पर आप अवेयरनेस प्रोग्राम भी वहाँ ले जा रहे हैं करेंगे, तो इस लेवल पर अवेयरनेस एक नेता सामाजिक तौर पर कितना जागरूकता अभियान फैला सकता है और आप किस तरह काम कर रहे हैं? देखिए अंडमान निकोबार का अगर बात करें आप, देखिए अंडमान निकोबार शहीदों और वीरों का भूमि है। ठीक है देश का बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन अंडमान निकोबार से चला है। देश का पहला तिरंगा झंडा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में फहराया था आज़ादी से पहले। ठीक है तो वो वीरों का भूमि है।
और अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा बात जो है, गांधी जी का जो सपना, पूर्ण स्वराज का सपना, कौमी एकता का सपना, आज भी अगर आपको देखने को मिलता है तो वो अंडमान निकोबार है, जहाँ में जात के नाम में, धर्म के नाम में, भाषा के नाम में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। मेरा ये मानना है, देखिए जो हमारे बुज़ुर्ग थे या हमारा जनरेशन है, कुछ हद तक हम लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, देश के जो बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने अपना जान की आहुति दी, कुर्बानी दी देश को आज़ादी दिलाने के लिए, ये सब कुछ हद तक हमको पता है। बट आने वाला जो जनरेशन है, ये बेसिकली आपका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इसके प्रति ज़्यादा इनका अट्रैक्शन है। और ग्रेजुअली देखने को ये मिलता है कि लोग अपना इतिहास, अपना परंपरा से दूर हटके एक मॉडर्नाइज सोच की तरफ में, वेस्टर्न कल्चर की तरफ में जा रहे हैं। जो जैसे मैंने आपसे कहा, अंडमान निकोबार का जो बात है, कौमी एकता का, आपसी प्यार, मोहब्बत, देश प्रेम, देशभक्ति, ये पूरा देश का एक मिसाल है कि जो चीज़ हमारे आने वाला यंग जनरेशन, मैं उनको ब्लेम नहीं करता कि ये उनका गलती है, गलती हमारा गलती है, हमारा हम जैसे लोगों का गलती है जिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनके लिए हम लोग कुछ जगह उनको नहीं दी, हम लोग कुछ ऐसा सोच उनके सामने हम लोगों ने नहीं रखा, तो जब उनको नहीं पता तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा आने वाला समय में, मेरा जो 5 साल का जो कार्यकाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होगा, जिसमें मुझे एमपीलेट फंड से जो पैसा मिलेगा, तो मेरा मेन जो एरिया रहेगा वो यूथ के ऊपर में रहेगा, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। अब सर, निजी ज़िंदगी से जुड़े सवालों पर यदि हम जाएं, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर, फिर मरीन इंजीनियरिंग भी आपने की, उसका डिप्लोमा भी किया, तो उसके बाद तो आप चाहते तो एक अच्छा करियर अपना बना सकते थे, कॉरपोरेट सेक्टर में आप अच्छा काम भी कर रहे थे आपकी कंपनी, तो फिर राजनीतिक सफ़र आपका एक कैसे, ये डिसीजन आपने लिया? देखिए, हर आदमी अगर अपना करियर बनाने के लिए सोचेगा तो समाज के लिए भी सोचने के लिए लोग चाहिए ना। जी हाँ, देखिए मेरा परिवार ऐसा था कि वो शुरू से सामाजिक सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, तो बचपन से मैं अपने फादर्स को, अपने दादी जी को और अपने बाकी जो फैमिली मेम्बर्स को देखता था, तो बचपन से एक भाव था कि समाज का सेवा करना, देश का सेवा करना, तो वो भाव से आगे बढ़ा। बस माँ बाप का आशीर्वाद, अंडमान निकोबार का लोगों का प्यार और मालिक का आशीर्वाद आज यहाँ तक पहुँचा। सर, कांग्रेस पार्टी में आपने अच्छा दौर भी देखा है, ये भी पिछले 10 साल जब सरकार में रही उस दौर को भी देखा है, और इस पिछले 5 साल को भी देखा, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप 15 साल से हैं ही, तो क्या लग रहा है कि निकट भविष्य में और आने वाला समय जो है वो कांग्रेस किस तरीके से राजनीतिक लड़ाई लड़ पाएगी और किन बातों की आवश्यकता है कैडर में? देखिए, राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति एक साइकिल है, देखिए, ठीक है, जैसे दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है, जीत के बाद हार आता है, हार के बाद जीत आता है, ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, एक साइकिल है। और कांग्रेस का अगर आप बात करें, कांग्रेस का आज एक ट्रांजिशन फेस है। आज मैडम सोनिया जी से जो बैटल ने राहुल जी ने लिया, तो ये एक जो ट्रांजिशन फेस है, इसमें नेचुरल है कि जब ट्रांजिशन फेस आता है तो थोड़ा उथल पुथल होता है। और इस तरीके से आज देश में मोदी जी अपना विचारधारा, अपना बात को रख पा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जो इश्यूज़ को लेके जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने जो काम किया वो कोई भुला नहीं सकता, ठीक है, आज़ादी से लेके आज तक का, जिस देश में एक सुई नहीं बनता था, आज वो देश चांद में जाने का जो कगार में है, वो कांग्रेस का देन है। मगर ये भी सही है, जो डेमोक्रेसी के अंदर में जनता जनार्दन है, जनता जो सोचता है वो सही है। आज जनता को लगा कि नहीं, आज कांग्रेस से अच्छा विकल्प उनके पास में बीजेपी है, जनता ने उनको वोट दिया, तो जो जनता सोचती है, जनता चाहती है, वो
सर्वप्रिय हैं, हम उनको मानते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही दौर चलेगा। सर अंतिम सवाल मेरा जो है, आपने राहुल गांधी जी के साथ काफ़ी वक्त काम किया है, अब वो अपना पद उन्होंने छोड़ दिया है, नए अध्यक्ष की तलाश हो रही है, तो राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को आप किस तरीके से देखते हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने? देखिए राहुल जी का बात अगर करें तो वो एक बहुत ही ईमानदार साफ छवि का नेता है। मैंने जितने करीब से राहुल जी को देखा है कि वो सत्ता के भूखे नहीं है, कि जैसे कोई लीडर होता ना कि हमको अपना पोजीशन में आना है, पावर में आना है, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, वो विचारधारा का लीडर राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी का सोच ये है कि सबको साथ लेके चलना, देश को आगे बढ़ाना, जनता का बीच में जाना, उनका इश्यूज़ को लेके चलना, सेक्युलरिज्म को लेके चलना, देश का एकता को बना के रखना, ठीक है, ये सोच राहुल जी का है। और आपको शायद जब आप मीडिया के हैं तो आपको पता भी होगा कि राहुल जी आने के बाद काफ़ी पार्टी के अंदर में भी जो ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो कभी सोच सकते नहीं थे कि राजनीति में आए, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब घर का बच्चा, ये सबको उन्होंने मौका दिया है कि सब आए, सब मिल के पार्टी को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें और देश के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हिंदुस्तान ओपिनियन से बातचीत करने के लिए।